लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नियली और श्यायु सभी वॉरियर्स और उस अंडेड स्केलेटन से बचते हुए अब टॉम के गेट तक पहुंच गए थे और सभी इंस्क्रिप्शन को सॉल्व करके वो गेट के अंदर चले जाते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नियली और श्यायु उस टॉम के अंदर पहुंच गए थे और अंदर जाते ही वो लोग एक स्पेस में नीचे की ओर गिरने लगते हैं। अब उस स्पेस के ऑरे के फोर्स इतना ज्यादा था कि उससे श्यायु बेहोश हो जाता है और ये देखकर नियली उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब श्यायु बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था और वो बहुत तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। अब ये देखकर नियली सोचता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे। अब नियली को समझ में नहीं आ रहा था और नियली देखता है कि उस स्पेस में हर तरफ डेथ स्पेल ऑरा फैला हुआ है, जिसे देखकर नियली को समझ में आ जाता है कि यहां से कैसे बाहर निकलना है। जिसके बाद में नियली अपने पैंडा फॉर्म में आके अपने लाइट एंड डार्कनेस युआन की को 10 times बढ़ा देता है, जिससे वहां पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है और वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और मौका मिलते ही नियली और श्यायु को लेकर उस स्पेस से बाहर निकल जाता है। और अब फाइनली वो दोनों मौत के मुंह से निकलकर उस टॉम की गहराई में पहुंच गए थे। और अब वहां पहुंचते ही सबसे पहले तो श्यायु होश में आके नियली की गोद से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद में वो अपने कपड़े को ठीक करने लगता है और बताता है कि यहां मुझे सब गॉड लेवल पावर हाउस के ऑरा महसूस हो रहा है। जो लोग हमें फॉलो कर रहे थे वो हमारे पीछे आ रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब वो दोनों आगे की ओर स्टॉर्म में बढ़ने लगते हैं, जहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद एक वॉल पे नियली को बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे फ्रेस्को कहते हैं, मतलब कि ऐसे चित्र जो स्टोन पे बने होते हैं। अब उन्हें देखकर नियली सोचता है कि ये तो दूसरी दुनिया से रिलेटेड है, जहाँ उसे एक पोर्टल का रास्ता दिखाई देता है, इसमें बहुत अद्भुत शक्तियां थी। अब ये देखकर नियली समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो अपने प्रीवियस लाइफ में रह के आया था। अब नियली उस जगह को देखकर समझता है कि ये ड्रैगन मार्केट रियल है और इससे बहुत पहले ही खोज लिया गया था। अब ये देखकर नियली समझ जाता है कि इस वर्ल्ड में जाने के लिए तो सबसे पहले उसे अपने लेजेंडरी लेवल पर पहुंचना होगा। तभी श्यायु नियली को बताता है कि हम उस टॉम के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं, जहां सामने उन्हें बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर श्यायु बोलता है हमें आगे चलकर एक बार उस जगह को चेक करना चाहिए, और वो दोनों आगे चले जाते हैं। अब यहां पर सीन चेंज होता है और हम यूनर और निंगर को देखते हैं, जिन्हें वहां पर डीमंस ने देख लिया था, और अब वो सभी डीमंस उन दोनों के पास आने लगते हैं, जिससे यूनर और निंगर दोनों बहुत डर जाते हैं। अब ये वही डीमंस थे जिनसे इनकी पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। अब वो यूं सामने निंगर को देखकर बोलता है ये देखो यहाँ पर हमें कौर मिल गया, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ तो डीमंस को लड़कियों को अकेला देखकर डीमंस की लॉटरी लग गई थी, उन्हें लगता कि ये बहुत अच्छा मौका है अपना बदला लेने का। लेकिन जैसे ही डीमंस निंगर की ओर बढ़ते हैं तो यूनर उनके सामने आ जाती है और उस डीमन को धमकी देते हुए बोलती है कि तुम ये मत सोचना कि हम यहाँ पर अकेले हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उसके बाद तुम हमें ब्लेम मत करना कि हम तुम्हारे साथ रूड हो गए हैं। अब ये सुनकर वुयु हंसने लगता और बोलता है अच्छा तो तुम अब तुम जैसी बच्चियां हमें डराएंगी। जिसके बाद वहां पर यंग मास्टर टियानलिंग आते हैं, जिससे वुयु बोलता है कि ये लड़कियां हमें धमकी दे रही हैं कि ये हमारे साथ रूड हो जाएंगी। जिसे सुनकर टियानलिंग आगे आके उन दोनों से बोलता है अगर तुम दोनों चुपचाप हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी और इससे तुम्हें काफी तकलीफ होगी, इसलिए मैं तुमसे यही बोलूंगा कि चीजों को डिफिकल्ट मत करो। और ऐसा बोलते हुए टियानलिंग उन दोनों के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों एक शील्ड बनाकर बच जाती हैं। और फिर निंगर यूनर से वहां से निकलने को कहती है और बोलती कि मैं यहां पर इन्हें रोक के रखती हूं, ये तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम यहां से निकल जाओ। लेकिन यूनर वहां से अकेले जाने को मना कर देती है और बोलती अगर हम यहां से जाएंगे तो दोनों ही साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि तुम मेरी बहन जैसी और मैं तुम्हें यहां पर अकेला मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब उन दोनों को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर वुयु को गुस्सा आ जाती है और बोलता है अगर तुम दोनों की बड़बड़ाहट खत्म हो गई हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता हूं। जिसके बाद वो सारे डीमंस उन दोनों लड़कियों की ओर बढ़ने लगते हैं और अब निंगर को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो सोचती कि अब उसे शायद श्यायु के दिए हुए स्क्रोल को यूज करना चाहिए, शायद वो काम आ जाए। और फिर निंगर उन सभी को वो स्क्रोल दिखाती है, जिसे देखकर सारे डीमंस कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। और उसके बाद निंगर बोलती है क्या तुम जानते हो ये क्या है? लेकिन वुयु बोलता है एक स्क्रोल, क्या तुमको लगता है कि तुम एक स्पेल स्क्रोल से हम लोगों से बच सकती हो? तभी टियानिंग यूयु को एक जोर का तमाचा मारता और बोलता है ध्यान से
देखो वो क्या है, वो गोल्डन स्क्रोल है। अब उस स्क्रोल को ध्यान से देखकर वो यू डर जाता है और फिर टियान लिंग उन दोनों लड़कियों से माफी मांगते हुए बोलता है, अगर आप दोनों पहले ही अपना टोकन हमें दिखा देती तो हम तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करते, हमें माफ कर दीजिए, मैं तहे दिल से आप दोनों से माफी मांगता हूँ। ऐसा बोलते हुए टियान लिंग वो यू को पीट रहा था और बोलता है, अगर अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए हो तो मैं आपके सामने सर झुकाकर माफी मांगता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बोल तो टियान लिंग रहा था लेकिन वो सारी चीजें वो यू से करा रहा था और फिर टियान लिंग भी उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वो यू तो अपना सर पटकने लगता है। अब यूनर और लिंगर को समझ आ जाता है कि वो स्क्रोल कितना ज्यादा पावरफुल है और अब वो दोनों सभी डीमंस को वहां से जाने को कहती है, जिसके बाद वो सभी डीमंस वहां से चले जाते हैं। और फिर वापस जाते वक्त वो यू टियान लिंग से बोलता, कहीं ऐसा तो नहीं उन दोनों लड़कियों ने हमें फेक गोल्डन स्क्रोल दिखाकर गुमराह किया हो? लेकिन टियान लिंग इसमें बोलता है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम वापस जाकर चेक कर लो कि वो सही है या नहीं। इसके बाद टियान लिंग बताता है कि तुम्हें पता है 3 साल पहले जब एक बंदे के पास में वही गोल्डन स्क्रोल था तो उसके साथ क्या हुआ था? तो वो यू बताता है कि वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। जिसके बाद टियान लिंग बोलता है, जो गोल्डन स्क्रोल उनके पास है अगर वो फेक भी हो तो अच्छा हुआ कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम सभी मारे जा सकते थे और हमारी पूरी फैमिली डिजास्टर की ओर चली जाती। और दोस्तों यहां पर हमें पता चलता है कि वो स्क्रोल वहां के अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है। अब इसके आगे की कहानी हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने अपने कोरियन चैनल पे एक बहुत ही अच्छी हाई स्कूल लव स्टोरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे पता है कि वो स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए जाकर एक बार उसे चेकआउट जरूर करिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्री टैब में डाल दी है।